स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। और आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे आपके पास जो DSLR है उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाए। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा आपके लिए, मैनुअल पढ़ लो यार। हर कंपनी अलग होती है। आप नाइकॉन का अगर कैमरा लिए हो, कैनन का कैमरा आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप कैनन लिए हो और सोनी के कैमरे में चले गए, आपको सोनी नहीं समझ में आएगा। हर कैमरा ब्रांड अलग होता है। और आप बोलोगे ठीक है कैमरा ब्रांड अलग होता है उसका पढ़ लिए, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैंने कैनन पहले यूज़ किया है दोबारा मैं कैनन यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, हर मॉडल भी अलग होता है। कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल में चेंजेस कम हो ताकि मतलब फेमिलियरिटी बनी रहे, लेकिन चूंकि हर चीज़ के लिए बटन नहीं दिए जा सकते तो इसके लिए हर चीज़ को मेन्यू के अंदर डाला जाता है। और ये मेन्यू में कहीं पे भी हो सकता है और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा खोजते खोजते। इसलिए मैनुअल पढ़िए। और मैनुअल आपको दिया जाता है, आपको एक प्रिंटेड बुक जनरली दी जाती है जो कि आपके पास ऑलरेडी है यार, पढ़ लो। मतलब बहुत सारे फीचर्स के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। जैसे मैं इस कैमरे के बारे में बात करता हूँ, कैनन 800D जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें टाइम लैप्स का फीचर है। मैंने यूट्यूब में देखा कि हाँ भाई कहाँ से फीचर है, कर लिया, यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं 3600 शॉट से आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब कितने शॉट्स लिए जा सकते हैं। मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ, इससे ज़्यादा वो नहीं अलाउ करेगा। ये सारे छोटे छोटे डिटेल जो आपका फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकती है, जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, ये सब मैनुअल में अच्छे से लिखा जाता है, एक एक डिटेल दी जाती है। इसलिए प्लीज़ आपके पास मैनुअल ऑलरेडी है, पढ़ लीजिए। और हर मॉडल में कुछ ना कुछ चेंज रहता है, नहीं तो दूसरे मॉडल बनाएंगे ही नहीं। तो इसलिए आपके पास है, पढ़ लीजिए और काफी सारे छोटे छोटे डिटेल आपको मिल जाएंगे। दूसरा सबसे मेन रीजन जो मैंने देखा है लोगों के पास DSLR का अच्छा एक्सपीरियंस ना होने का, इसलिए उनके DSLR बड़े स्लो लगते हैं। मतलब मैंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने एक रिलेटिव के पास कैनन 5300 देखा, और वो कैमरा मैंने एक और फ्रेंड के पास देखा है, वो थोड़ा पुराना है, 3 साल से पुराना है, और वहाँ बड़ा अच्छे से यूज़ हो रहा था और इनका नया कैमरा अच्छे से नहीं यूज़ हो रहा है। मतलब बड़ा स्लगिश लग रहा था। तो क्यों भाई? वो कार्ड यूज़ कर रहे हैं जो 8GB का कार्ड बैकअप में दिया गया था। वो कार्ड आपके लिए बैकअप कार्ड होना चाहिए। वो आप रखो अपने कैमरा बैग में कि अगर आपका मेन कार्ड कभी फुल हो गया या किसी कारण से काम नहीं कर रहा तो आप शॉट ना मिस कर दो, आप वो कार्ड निकाल कर डाल दो। उस पर कैमरा चलाइए मत, वो आपको सबसे सस्ता कार्ड दे रहे हैं कि मतलब भाई इससे काम निपट जाए। हाँ कार्ड महंगा होता है, लेकिन आप 50,000 के चीज़ में 8-9,000 का कार्ड डाल सकते हैं या 4,500 का भी कार्ड डाल सकते हैं। और कार्ड के बारे में आपको एक चीज़ जानना होगा कि हर कार्ड हर कैमरा में नहीं चलेगा। मतलब थियोरेटिकली चल सकता है, चलना चाहिए, लेकिन एक लिस्ट बनाई जाती है जो हर कैमरा मैन्युफैक्चरर टेस्ट करके बताएगा आपको। तो इसलिए आप मैनुअल अगर पढ़िएगा उसमें लिखा रहेगा कि सैंडिस्क का ये कार्ड मेरे में चलेगा, सैमसंग का ये कार्ड नहीं चलेगा, जो जो उसके लिस्ट में आपको एक मिल जाएगा। और दूसरा, कैपेसिटी हर कैमरा की इन्फिनिटी नहीं होती है कि मतलब आप बोलोगे कि मैं 128GB का कार्ड डाल दूँ, सारे DSLR नहीं हैंडल कर सकते। पुराने वाले तो 32 में बोल जाते हैं। तो इस कारण से आपके कैमरा में लिमिट हो या ना हो आपको नहीं पता है, इसलिए वो पढ़िए मैनुअल, आपको तुरंत पता चल जाएगा अरे इसमें ये कार्ड ही सपोर्ट होता है। दूसरा, SD कार्ड के आजकल दो टाइप आ रहे हैं, UHS-1 और UHS-2। नाउ ये दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कंपैटिबल है, आप एक दूसरे को एक दूसरे में लगा सकते हैं, लेकिन UHS कार्ड 2 बहुत फास्ट होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें ये 300 Mbps तक जा सकते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, उस पर कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप ये डाल दिए अपने पुराने कैमरे में या करंट कैमरा जो नहीं सपोर्ट कर रहा है, आपको वो स्पीड नहीं मिलेगी। वो स्पीड के लिए आपको ये सारे पिंस रीड करने पड़ेंगे। तो भी आप बोलोगे नहीं हम इसको नहीं खरीदते, मैं जनरली रिकमेंड नहीं करूँगा, आपके पास स्पेस होना ज़्यादा बेटर होगा इससे। लेकिन कुछ सिनेरियो में, जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे आपको खूब बार फोटो खींचना है और खूब बार आपको कंप्यूटर में उसको डालना है, जैसे मान लीजिए आपके लिए डेली का काम है, तो ये कार्ड आपके लिए काफ़ी गॉड सेंड टाइप हो सकता है, क्योंकि आप एक कार्ड रीडर ले सकते हैं जो उसको रीड करे, और रीड स्पीड हमेशा राइट स्पीड से बेटर होता है। तो आप आराम से बहुत हाई स्पीड से आप अपने कार्ड को अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, आपको वेट नहीं करना होगा। आप कार्ड लगा दिए, हाँ 4K का वीडियो ट्रांसफ़र हो रहा है, रुके हुए हैं, आधा घंटा लग रहा है भाई ट्रांसफ़र होने में, इसलिए आप चूज़ कीजिए। जनरली मैं कहूँगा यही लीजिए, और USB 3.0 के कार्ड रीडर पर इन्वेस्ट कीजिए, आजकल 1000 रुपये में ही आ जाते हैं और अच्छे क्वालिटी के मिल जाएंगे। और USB 2.0 और 3.0 के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझिए 2.0 आपको 20 मैक्सिमम देंगे, स्टेबल 20 पर रहेगा, और मैं अभी जो कार्ड यूज़ कर रहा हूँ USB 3.0 का 80 पे चलता है। तो आप समझ सकते हैं स्पीड का काफ़ी बड़ा अंतर हो जाएगा अगर आप 3.0 में इन्वेस्ट करेंगे, और इससे आपका एक्सपीरियंस, आपके अपने DSLR यूज़ करने का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं किसी भी फोटो को अच्छे तरीके से खींचने के लिए दो चीज़ आपको चाहिए, आपको उसके लिए टाइम चाहिए, आपको उसके इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। नाउ आप बोल सकते हो हर चीज़ रन एंड गन, मतलब हर चीज़ के लिए ये सही नहीं है, ये बात सही हो गया। आप जैसे मान लीजिए लोगों के लिए कुछ खींच रहे हैं तो लोग थोड़े रुके रहेंगे आपके लिए, तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीनरियों में आपके लिए ये दोनों चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग की फ़ोटो ले, आप किसी सीनरी की ले रहे हैं, टाइम लीजिए, हड़बड़ाइए मत, कैमरा निकाले खड़ाखट खींच लिया, टाइम लीजिए, एक फोटो खींचिए, देखिए, डिजिटल है, फिल्म की तरह आपको डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा। आप तुरंत देखिए, अच्छा कार्ड अगर आप डालेंगे तो तुरंत प्रीव्यू मिल जाएगा। आप देखिए, आपको फोटो से थोड़ा सा ट्राई मारिए, ट्राई एंड एरर आप वहीं कीजिए, घर में आके मत सोचिए कि अच्छा ऐसे कर लेते तो क्या होता। इससे आपके फोटोग्राफी में जमीन आसमान का अंतर तुरंत आ जाएगा। दूसरा, आप ट्राइपॉड लीजिए, नहीं ले सकते मतलब यार ट्राइपॉड बड़ा झंझट है, तो मोनोपॉड में ट्राई कीजिए। अब आप बोलो नहीं यार मोनोपॉड भी बहुत महंगा आता है, ठीक, लास्ट ऑप्शन आप स्ट्रिंग पॉड यूज़ कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि आप एक नट लगाइए, उसका नट आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, और उससे एक डोरी या धागा लगा के जो मजबूत हो थोड़ी उसको लगाइए, उसके नीचे एक वॉशर लटका दीजिए। 100 रुपया भी नहीं लगे, 25-26 रुपये में आपको नट मिल जाता है, और खरीदना पड़े तो, नहीं तो आप किसी दोस्त से मांग भी सकते हो। तो और उस वॉशर को अपने जूते से दबा लीजिए और उसको एक टेंशन लाइए, उसको आप थोड़ा टाइट कीजिए, जैसे ही आप टाइट कीजिएगा आपको हाँ अब आराम से कैमरा स्टेबल हो गया और जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आप बोलोगे ट्राइपॉड आप नहीं ले जा सकते हर जगह, सही बात है, मोनोपॉड भी एक भारी झंझट है, सही बात है, लेकिन ये तो आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, ये तो आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। आप बोलोगे नहीं मेरे कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन, अरे तो उसके काहे खटा रहे हो। आप जैसे जैसे मेगापिक्सल बढ़ते जाएगा थोड़ा सा भी शेक आपके इमेज में बहुत आसानी से दिख जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी पे ध्यान देना अच्छी बात होगी आपके लिए, और इससे आपके फोटो जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। और अब आप बोल रहे ठीक है आपने कैसे शूट करना है, कैसा कार्ड लेना है, आपने मैनुअल पढ़ लिया, अब इसके बाद और क्या किया जा सकता है। आप रॉ प्लस जेपेंग में शूट कर सकते हो, और इसके लिए अगर अच्छा कार्ड रहेगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। रॉ इसलिए मैं शूट करने बोल, काफ़ी लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ ये दो इमेजेस दिखा रहा हूँ, अगर टीवी से अच्छा नहीं आएगा तो मैं बड़े प्रिंट डाल देता हूँ यहाँ पे। रॉ इमेज में इंफॉर्मेशन को कंप्रेस नहीं की जाती है, जो सेंसर से डेटा निकल रहा है उसको प्रोसेस नहीं करने से उसमें उसका फाइल साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब आपका एक रॉ आराम से 30-50 MB तक हो सकता है, जहाँ की जेपेग बेयरली 10 होगा, 5 गुना बड़ा हो जाता है फाइल, लेकिन उसमें इतने सारे डेटा हटाए नहीं गए हैं कि आप उस पर ISO चेंज कर सकते हैं, बाद में ISO को एक्सपोजर की तरह समझिए, आप उसका वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आर्टिस्टिक फीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप आराम से वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं और आप बहुत सारे माइन्यूट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि अगर आप बोलोगे नहीं मैं जेपेग में भी वो कर सकता हूँ, सही बात आप कर सकते हो, लेकिन जेपेग में आप वही सेटिंग लगाइए और वही सेटिंग आप रॉ में लगाइए, आपका फाइनल आउटपुट रॉ से हमेशा बेटर होगा। एक बेटर सोर्स से कंप्रेस इमेज निकालना हमेशा बेटर होता है, ना कि कंप्रेस इमेज से आप पहले ही कंप्रेस निकाल रहे हो, तो 2 स्टेप का कंप्रेशन से बेटर होगा 1 स्टेप का कंप्रेशन। फिर आप बोलोगे नहीं मैं कंप्यूटर पर नहीं टाइम देना चाहता हूँ, आजकल रॉ के फाइल आप मोबाइल में एडिट कर सकते हैं, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं, फोटोशॉप एक्सप्रेस जो कि फ्री है, स्नैप स्पीड जो कि फ्री है, तो रॉ आप मोबाइल में भी छेड़छाड़ कर सकते हो और आप माइनर ट्वीक करोगे तो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आर्टिस्टिक टच के लिए ज़रूरी नहीं है सबको पसंद हो, सब लोगों को ना पसंद आए, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ठीक है मैं रॉ बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, जेपेग शूट करो, लेकिन जेपेग बहुत ईजिली रिकवर होता है। रॉ के साथ सबसे बड़ा हेडेक ये है कि हर कैमरा का अपना रॉ होता है, और ऐसा भी नहीं है कि कैनन का एक रॉ है, भले वो कैनन का लिख देते हैं .cr2 लिख देते हैं, लेकिन हर कैनन का अलग अलग CR2 के अंदर वेरिएशन होता है, और जब भी कोई नया कैमरा आता है आपका लाइट रूम रीड ही नहीं करेगा उसका, बोले भैया उसका पैकेज नहीं है मेरे पास, मतलब उसको डिकोड करने का सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए बहुत सारे रिकवरी सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आपने किसी को पे किया भैया रिकवर करके दे दो फाइल, वो बैंड बच जाएगी उसका अगर वो रॉ फाइल निकालने का कोशिश किया, लेकिन जेपेग चूंकि बहुत स्टैंडर्डाइज है आराम से उसको रिकवर किया जा सकता है। फॉर्मेट हो गया आप रिकवर कर लोगे, डिलीट हो गया रिकवर कर लोगे, मान लो कार्ड डैमेज हो गया चांसेस ज़्यादा है कि आप जेपेग निकाल पाओगे उससे, तो इस कारणवश मैं कहता हूँ रॉ और जेपेग। अब मान लीजिए आप किसी हड़बड़ी में हैं तो कोई बोल रहा है नहीं यार तुरंत फोटो तो धड़ाक से दे दो जेपेग, काम खत्म। सो ये था, मैंने एक आपको कुछ गाइड दिए हैं जिससे आप अपनी फोटोग्राफी में काफ़ी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, तो लाइक कीजिए, और नहीं लगाओ कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका हक है भाई। और आप कमेंट दीजिए कि आप कैमरा ट्यूसडे में क्या क्या देखना चाहेंगे आगे, और हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, मैं तो हर दिन वीडियो बनाता हूँ, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले दिन। शुक्रिया देखने के लिए।